मेरा चैनल ये वाला ना 3 महीने के अंदर मोनेटाइज हो गया था, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो कि मैं आपको इंड में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका YouTube चैनल अभी तक ग्रो नहीं हुआ, लेकिन YouTube पर काम करते उनको 2 से 3 साल तक हो चुका है, अभी तक उनका चैनल ग्रो नहीं हुआ। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि आपको YouTube चैनल नया बनाना पड़ेगा, ये YouTube खुद कहता है कि अगर आपको काम करना है, YouTube पर सफल होना है और अभी तक आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ है, तो 2024 में आपको एक नया YouTube चैनल बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा पुराने चैनल पर जीवन भर काम करते रहोगे, कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ प्रताप और आज के इस वीडियो में हम और आप दोनों लोगों के बारे में बात करने वाला हूं, यूट्यूब क्या कहता है, क्यों आपको एक नया चैनल बनाना पड़ेगा 2024 में, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ आने वाला नहीं है। जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना मैं भी यही रहूंगा और शायद आप भी, अगर आपको नहीं सपोर्ट करेगा कोई तो आप भी वही रहेंगे। दोस्तों देखिए, मैं बात कर रहा हूं जैसे कि यूट्यूब से रिलेटेड, तो दोस्तों यार आपको पता है आपका चैनल कितना पुराना, मेरा चैनल लगभग में 3 साल पुराना हो चुका है। इस बीच मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी, कई वीडियो मेरे वायरल गए हैं और बहुत कुछ देखा मैंने YouTube पर, बहुत सारी कैटेगरीज में वीडियोज मैंने अपलोड किए, अगर ये वीडियो नहीं चला तो दूसरा वीडियो अपलोड किया और ये नहीं चला तो कॉमेडी वाला वीडियो अपलोड किया। और आप लोगों ने भी ये सब भी किया होगा, आपने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए होंगे, जब व्यूज नहीं आए तो आपने देखा किसी दूसरी कैटेगरी में कुछ ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो वो वीडियो भी आपने सेम चैनल पर अपलोड कर दिया, और यही तो आपने गलती की। और इसी वजह से आपको एक नया यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो दोस्त देखिए, अब आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। आपका चैनल अगर 1 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, मान लिया 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया और 1 साल का क्या 6 महीने का भी हो गया है, और अगर आपने अगर जो मैं 3 गलतियां बता रहा हूँ वो गलतियां की है, तो आज ही अपने चैनल को चेंज कर लीजिए, ठीक है। क्या गलती, जैसे कि मेरा चैनल है, मैंने पहले इस पर अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाए थे, ठीक है, उसके बाद मैंने एक और कैटेगरी से रिलेटेड इस पर वीडियो बनाए थे, ठीक है। मेरा चैनल ये वाला ना 3 महीने के अंदर मोनेटाइज हो गया था, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो कि मैं आपको इंड में बताने वाला हूं, वो गलती मत करिए। 3 महीने में मोनेटाइज करने के बाद मेरा पेमेंट भी आ चुका था, लेकिन गलती तो वही की जो इंड में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि अगर आपने अपने चैनल पर कैटेगरी चेंज करके वीडियो अपलोड किए, जैसे कि मान लिया 1 हफ्ते आपने ये अपलोड किया, कभी आपने ये वीडियो अपलोड किया, कभी वो अपलोड किया कि सेम कैटेगरी से रिलेटेड, अगर आपने ये सब गलती की है और आपके चैनल पर अभी तक काम करते हो गए हैं जो भी समय हुआ हो, और आपके चैनल पर अभी तक अगर 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा भाई आप एक नया यूट्यूब चैनल बनाइए। अब क्यों बनाइए, देखिए दोस्तों, आपने अगर अपनी चैनल पर कैटेगरीज को चेंज किया और आपको समय हो गया, आपने 10-15 वीडियो अपलोड कर रखे हैं और आपके सब्सक्राइबर्स 200-300 हैं, तो आप एक नया चैनल बनाइए और कसम खाइए कि आप जो भी नया चैनल बनाओगे उस पर रेगुलरिटी के साथ काम करोगे, बेस्ट कंटेंट के साथ काम करोगे और आप कभी भी अपने चैनल को छोड़ेंगे नहीं, 10 से 15 दिन को लिए आप कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ये सब करना है तो इसी चैनल पर आप भाई जीवन भर घिसते रहिए, मरते रहिए, रोते रहिए व्यूज के लिए मेरी तरह। और मैंने भाई चैनल शुरू कर दिया, उस पर मेरा 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुका है, मैं उसको रिवील करने वाला हूँ कुछ दिनों में, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें हैं, फेस कर चुके हो, आपके चैनल पर 200-300 सब्सक्राइबर्स हैं, 1-2 साल काम करते हो गया, 400-500 सब्सक्राइबर्स हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन व्यूज वही आ रहे हैं, तो आप एक नया चैनल बनाइए और उस पर कसम खाकर काम करिए। मैं रोज वीडियो डालूंगा या 2 दिनों में 1 वीडियो डालूंगा, लेकिन हम अपनी चैनल की कैटेगरी को चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि उस पर भी आप देखते कि इस कैटेगरी में व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कोई और कैटेगरी से रिलेटेड, ये सब आपको नहीं करना। अगर आपको अलग अलग कैटेगरीज में काम करना है तो आप 3-4 चैनल बनाइए और सब पर काम करिए, मैं कहता हूं। लेकिन मेरी सजेशन आपको यही रहेगी, सबसे पहले आप अपने एक यूट्यूब चैनल को ग्रो कर लीजिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड बनाइए, बेस्ट कॉन्टेंट के साथ काम करिए, यही है। YouTube का कोई अपडेट नहीं है कि आप अपना चैनल बनाइए, लेकिन ये जो है रियलिटी है, ऐसे में लोगों पर भी इफेक्ट पड़ता है। मान लिया 2 साल काम करते हो गया, आपने वीडियो अपलोड किया है 100, भाई 100 वीडियो, और वीडियो ऐसे बनाते हो जिनका कोई भी वैल्यू नहीं है। आपको पता कि हर कैटेगरी में प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हो चुके हैं, तो आपको कौन देखेगा। तो ऐसे में आपसे यही रिक्वेस्ट है, बेहतरीन ढंग से काम करिए, कसम खाइए, नया चैनल बनाइए और आज ही यूट्यूब पर झंडा गाड़ने के लिए एक नई सोच तैयार करिए। बस मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला, कुछ आपको अंदर से जागृत हुआ कि मैं आपको सही बता रहा हूं, तो वो काम करिएगा, वरना भाई कोई बात नहीं, मैं तो कर रहा हूं जो करता हूं, बस एक सजेशन देना था वो दे दिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर थोड़ा सा भी पसंद आया आपके भाई का।